फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सेल में हम मल्टी सॉर्टिंग यानी कि मल्टीपल सॉर्टिंग अलग अलग कॉलम में अगर आपको डेटा सॉर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल सॉर्टिंग हम सभी जानते हैं, सिंपली आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना होता है, जाएंगे सॉर्ट एंड सॉर्ट कर देते हैं, तो ये सारा का सारा जो डेटा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। बट वॉट इफ आपको मल्टी कॉलम सॉर्टिंग करनी हो, फॉर दैट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये एक डमी डेटा है और अगर इस डमी डेटा में हम देखें नाम जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। वैसे अगर हम देखें कास्ट वाइज ये भी अरेंज नहीं है, उसके अलावा क्लास वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ नाइन्थ के हैं, कुछ एट्थ के हैं, अगेन फिर नाइन्थ, फिर एट्थ। तो इस प्रकार से हमारा जो डेटा है ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाए, बट सबसे पहले एट्थ वाले स्टूडेंट की लिस्ट हो, उसके बाद नाइन्थ वालों की, और उसके अंदर मेरा जो सेकेंड लेवल ऑफ सॉर्टिंग होगा वो होगा एट्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हो वो सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो, एंड आफ्टर दैट नाइन्थ के। तो ये हो गया मेरे पास दो ऑर्डर्स ऑफ सॉर्टिंग। थर्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि सबसे पहले एट्थ वाले स्टूडेंट हो और वो सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो, और थर्ड होगा वो कास्ट वाइज भी अरेंज हो, यानी कि यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ थ्री लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम जाएंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर और क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट। ये डायलॉग बॉक्स आप मोस्टली देखते हैं जब आप सॉर्ट करते हैं। अब क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है क्लास वाइज, और क्लास हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉलम नंबर एच में। अगर आप हेडिंग को भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हेडिंग का नाम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा कॉलम नंबर एच, और ये होगा मेरा ऑर्डर ए टू जेड। और इसी के बाद हम क्लिक करेंगे एड लेवल, सेकेंड लेवल, यानी कि अब एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स तो अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन एट्थ में हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए, तो मुझे एट्थ में चाहिए यहाँ पर। तो मुझे एट्थ में नेम के अकॉर्डिंग इन्हें सॉर्ट करना है, और नेम है कॉलम सी में, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा कॉलम सी, सेल वैल्यूज, एंड ऑर्डर होगा अगेन ए टू जेड। और इसके बाद हमारा थर्ड लेवल है अकॉर्डिंग टू कास्ट, तो अगेन मैंने क्लिक किया एड लेवल, कास्ट लिखी हुई है कॉलम एफ में, तो कॉलम एफ सेलेक्ट कर लेंगे, सेल वैल्यूज एंड ए टू जेड। और हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्लिक कर लेंगे ओके एंड सी द आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एट्थ वाले स्टूडेंट हैं वो पूरे एक साथ आ चुके हैं। अब अगर एट्थ में हम देखें तो ये सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं, और साथ साथ ये कास्ट वाइज भी सॉर्ट हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारे के सारे नाइन्थ के स्टूडेंट्स, अगेन नाइन्थ में हम देखेंगे ए से लेकर जेड तक, यानी ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो कि है अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस प्रकार से आप मल्टी लेवल सॉर्टिंग यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं बाई जस्ट एडिंग द लेवल्स इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। और अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है कि आपको ये लेवल हटाना है, जैसे मैं यहाँ पर इन्हें कास्ट वाइज सॉर्ट नहीं करना चाहता, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लें, क्लिक करेंगे डिलीट लेवल एंड ओके। अब यहाँ से जो कास्ट की सॉर्टिंग थी वो रिमूव हो चुकी है, और यहाँ पर हमें देखने मिलती है सिर्फ क्लास और नाम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है, यानी एट्थ के सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ए टू जेड। और उसके बाद जहाँ पर एट्थ की लिस्ट खत्म हुई वहाँ पर नाइन्थ की लिस्ट चालू हो जाएगी ए से जेड तक। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आप मल्टी लेवल सॉर्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।